मैं हूँ अनु और अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं सबकी फेवरेट और बहुत ही पॉपुलर वेज मनचाओ की रेसिपी लेकर आए हैं जो सभी को बहुत पसंद आता है। तो आप जान ही रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं फ्रेंड, और इस वक्त सर्दियों में कुछ ना कुछ गर्म गर्म पीने का मन करता है, तो इससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता जो हेल्दी भी हो और बहुत ही टेस्टी भी हो। तो आज हम वही बनाना सीखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक आप इसको जरूर देखिएगा और कोई भी स्टेप आप मिस ना करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। बहुत सारे वेजिटेबल इस तरह से काट लिया है। तो एक गाजर है, इसको अच्छे से हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। देखिए ये 2 चम्मच है, सभी दो दो चम्मच हैं। और ये बीन्स है, ये भी छोटा छोटा काटा है, ये भी 2 चम्मच है। और ये हरा वाला प्याज है, तो इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको भी छोटा छोटा काट लिया मैंने। लहसुन है, करीब 10 लहसुन है, इसको अच्छे से छोटा छोटा काट लिया। ये हमारा अदरक है, ये भी अच्छे से हमने काट लिया है, छोटे छोटे। सब बारीक काटना है, तो बारीक काटने का मतलब यही होता है फ्रेंड कि अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इसको कुक होने में और ये अच्छे से ये कुक हो जाए। ये हरा वाला पार्ट है प्याज का, तो इसको भी हमने छोटा सा काट लिया है। पत्ता गोभी है, ये भी 2 चम्मच है, ये भी छोटे छोटे अच्छे से काट लिया। शिमला मिर्च है, ये भी 2 ही चम्मच है, ये भी छोटा छोटा काट लिया। नूडल्स का भी प्रयोग करेंगे, और इसको हमने अच्छे से गर्म खौलते हुए पानी में डाल के, अच्छे से नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको उबाल लिया है और छान के हमने इस तरह रख लिया है। तो ये टोमेटो सॉस है, 2 चम्मच है, रेड टोमेटो सॉस, चिली सॉस है, ये भी 2 चम्मच है। ये सोया सॉस है डार्क वाला, ये भी 2 चम्मच है। हमको कॉर्नफ्लोर चाहिए, तो ये हम 3 चम्मच ले लिए हैं। इसके अभी हमें जब सूप बनाना होगा तो इसकी आवश्यकता होगी हमें। चीनी है 1 चम्मच, वेनेगर है ये भी 1 चम्मच, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है। और मिर्च हमने लिया है बहुत थोड़ा सा, हाफ मतलब एक छोटा आधा सा काट लिया मैंने। आई हमने चढ़ा दी है और ऑयल हमने इसमें रख दिया है, और अब इसमें अच्छे से ये धुआं जब निकलने लगेगा ऑयल में से, तब हम इसमें डालेंगे ये। तो नूडल्स है, इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको हमको क्रिस्प करना है फ्राई करते वक्त थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। तो आपने देखा होगा जब आपने खाया होगा रेस्टोरेंट में, तो ये सूप के साथ अलग से एक प्लेट में दे दिया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, कुरकुरा होता है एकदम। तो आप भी इसको जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी भी है। इतने सारे वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं, बहुत ही हेल्दी हो जाता है ये और टेस्टी तो लगेगा ही। इस तरह से हमने नूडल्स डाल के देख लिया, तो देखिए ऊपर आ गया है। तो अच्छे से तेल गल को गर्म होना है, पर अगर बहुत हल्का गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा तेल इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से उठाएंगे और एक नेस्ट की तरह इसको बहुत ज़्यादा फैला के नहीं डालना है, ऐसे कि ये फ्राई भी हो जाए और एकदम नेस्ट की तरह लगे। इसको उठा के ऐसे डाल देते हैं। तो आप चाहें तो इसको बांध भी सकते हैं थोड़ा सा, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो ऐसे भी अच्छे से कुरकुरा होना ज़रूरी है। तो थोड़ा एक तरफ हो जाए तब हम पलटेंगे इसको। तो एक साइड में हमने इसको पलट लिया, अब देखिए एकदम ऐसे ही होना चाहिए, तो एकदम नेस्ट की तरह लग रहा है ये, ऐसे ही होना चाहिए इसको। और अच्छे से हम इसको कुरकुरा करेंगे, थोड़ा गोल्डन हो जाए, हल्का कलर अच्छा सा आ जाए तो निकाल देंगे इसको। तो ये हो गया है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है हमको इसको। अब ये ऐसे गोल्डन देखिए दिख रहा है, कलर देखिए ये एकदम वाइट है, ये थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन हो गया है थोड़ा सा। अब इसको निकाल लेते हैं, तो साइड में इस तरह से करके ऑयल जो भी है वो निकल जाए। कढ़ाई में इस तरह सटा के रखिए, इसी तरह और भी फ्राई करके रख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सूप पियेंगे, तो उसके साथ इसको खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेते हैं फिर, और जब एक तरह थोड़ा हो जाए तब पलटेंगे इसको। तो एकदम नेस्ट की तरह लग रहा है देखने फ्रेंड। इस तरह से हमने सारा का सारा देखिए फ्राई कर लिया, बहुत ही क्रिस्पी बना है देखिए, और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसको सूप के साथ खाएंगे। तो इसको हमने कर लिया, अब इसको रख देते हैं। अब हम सूप की तैयारी करते हैं। जैसे हमने लोहे की कढ़ाई ली है, ऑयल डालेंगे इसमें,
तो 2 चम्मच ऑयल हमने डाल दिया और एकदम तेज रखेंगे फ्लेम को। हमको सब्जियों को बहुत ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड, इस बात का आपको भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले अदरक, लहसुन थोड़ा सा ये हो जाए, बहुत ज़्यादा हमको इसको लाल नहीं करना है। और जो ग्रीन वेजिटेबल है उसको हम थोड़ा बाद में डालेंगे। प्याज डाल देते हैं। तो पहले अगर हम ग्रीन वेजिटेबल डाल देंगे तो उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है। तो सब 2-2 चम्मच हैं, जो भी बारीक कटा हुआ ये सारी हमारी वेजिटेबल आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा ये हो जाए, बस ज़्यादा हमको ओवर कुक नहीं करना है इसे। तो हम शिमला मिर्च डाल दे रहे हैं, बीन्स डाल दे रहे हैं, एक प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो डालते हैं, ग्रीन वाला थोड़ा डालेंगे, बाकी डेकोरेशन के लिए रखेंगे, ऊपर से डालेंगे। और इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए फ्लेम हमने एकदम तेज रखा है। अच्छे से इसको हम 2 या 3 मिनट हमको अच्छे से इस तरह से चला चला के इसको क्रंची स्पन, इसका वेजिटेबल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा लगता है सूप। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाने पे वो क्रंचीपन ख़त्म हो जाता है। और जो भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो एकदम अलग ही उसका टेस्ट आता है। अब मिर्चा था इसको हमने छोटा छोटा काट दिया, इसको भी डाल देते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अवॉइड कर दीजिएगा। और थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, ये सोया सॉस, सबको चला लेते हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं, 2 कप पानी अभी डाल दिया मैंने। इतना अच्छी महक आ रही है, बहुत अच्छा महक रहा है इस वक्त। और इसको थोड़ा सा उबाल आने तक हम पकाएंगे। और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे, तो 1/4 नमक डाल देते हैं। तो नमक हमको बहुत ही सावधानी के साथ डालना पड़ेगा क्योंकि चटनी में भी नमक होता है। तो बस थोड़ा सा नमक डाला है, 1/2 टीस्पून डाल दिया दे रहे हैं। तो चीनी जो है खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगेगा इसमें, थोड़ा बैलेंसिंग करेगा इसके टेस्ट को। ये विनेगर डाले 1 टीस्पून है, बहुत ज़्यादा ना डालेगा। और इसको खोलने देते हैं अच्छे से उबाल आ जाए। थोड़ा सा नूडल्स हमने उबला हुआ इसे रख लिया था, इसको इसमें डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा तो आप भी डालिएगा इस तरह से। चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसमें पानी अच्छे से इसको मिला लेते हैं, पानी और कॉर्नफ्लोर को। ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए सूप और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा और शाइनिंग आ जाती है सूप में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। उबाल आने देते हैं। यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन वाली जो घंटी है उसको आप क्लिक करिए, तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी ही पहुँचेगा। और कमेंट करके जो बताया करिए हमारी रेसिपी आपको कैसे लगती है और हमें आपके लिए और क्या क्या बनाना है। और फ्रेंड ये जो सूप बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी है, हाँ बिल्कुल आपको लगेगा चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के आप इस सूप का आनंद दे रहे हैं। तो आप जरूर बनाइए एक बार, घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे, पता ही नहीं चलेगा उनको कि आपने जो है घर पे बनाया है इसको इतना अच्छा से। तो आप इस तरह ही बनाइए, देखिए इसका थिकनेस कितना अच्छा आया है, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, ना बहुत पतला है और ना ज़्यादा, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम ऑफ कर दे रहे हैं इसको, हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो एक बार झटपट हमने वेज मनचाओ सूप तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी है, एकदम गर्म गर्म है। तो आप भी पीजिए, इस सर्दियों में इसका आनंद उठाइए, मज़ा आ जाएगा, बहुत सारा वेजिटेबल पड़ा हुआ है इसे। तो घर पे बनाइए, एक बार बनाएंगे तो सब आपकी वाहवाही करेंगे और बार बार कहेंगे आप इसी तरह बनाइए। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको इसको सिखाया, सारे स्टेप आप फॉलो करिएगा तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो बनाइए, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी पहुँचे। और कमेंट करके जो बताया करिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं मेरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।